नमस्कार, अभिलाषा की रसोई में आपका स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आप सबों का नवरात्रि का व्रत? मुझे उम्मीद है माता रानी की कृपा से आपके व्रत भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। मैं आज आप सबके लिए व्रत के लिए साबूदाना वड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये व्रत की रेसिपी है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाने को भिंगोकर एक घंटे के लिए छोड़ दे दिया था। मैंने यहाँ छोटे वाले साबूदाने लिए हैं, ये देखिए ये कितने अच्छे से बिल्कुल गला हुआ सा है। आप चाहें तो बड़े वाले साबूदाने से भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पीनट को रोस्ट कर लिया है और उसके बाद उसको दरदरा पीस लिया है। मूँगफली हमें दरदरी पीस के लेनी है, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं करना है। उसके बाद एक आलू को मैंने यहाँ बॉयल कर लिया है और उसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो उसे मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से वो ज़्यादा सही बनता है। एक हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ डाली है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ले लिया है मैंने यहाँ पे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डाला है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे बिना व्रत के लिए बना रहे हैं, नाश्ते के लिए, तो इसमें आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसे व्रत के लिए बनाया है इसलिए व्रत में खाने वाली चीज़ें ही यूज की हैं। अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी ये वड़ा बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, अब इस मिश्रण से हम गोले बनाएंगे और उसे वड़ा का शेप दे देंगे। ऐसे हमने चिपटा कर लिया है। एक बात और हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसे चारों तरफ से हमें चिकना कर लेना है, ये फटे हुए नहीं हो, नहीं तो तेल में जाकर ये फट जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे वड़ों को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इनके बीच में उंगलियों से एक छेद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें प्लेन ही रखा है। बहुत ही झटपट से बन जाएगी ये रेसिपी और आपको बहुत पसंद भी आएगी। ये देखिए, है ना बहुत सिंपल। इसी तरह मैंने सारे वड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है और उसमें एक एक करके हम वड़ों को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है। हम इन वड़ों को सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत में ऑयल नहीं खाते हो तो उसकी जगह आप घी में भी इसे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं ये, और घी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, इसलिए आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। व्रत में आप जिन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं उन्हें स्किप कर दीजिए और जो जो चीज़ डालते हैं उन्हें डालकर बना लीजिए, वड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, कलर अच्छा आने लगा है। इन वड़ों को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें आप नाश्ते में या शाम में स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। वड़े हमारे अच्छे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, लग रहे हैं ना बहुत टेस्टी। इसी तरह हम बाकी बचे हुए वड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो वड़े ऊपर से जल जाएंगे। मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। डालने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तुरंत हमें इन वड़ों को नहीं पलटना है। जब ये थोड़े से नीचे से क्रिस्पी होने लगे तब हम इन्हें पलटेंगे, नहीं तो इन्हें टूटने का डर रहेगा। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने इन्हें पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। वड़े हमारे देखिए तैयार हो चुके हैं, रंग भी इनका बहुत अच्छा आया है और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी।
बहुत ही झटपट बनने वाली, बहुत ही यम्मी और व्रत में खाने वाली ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई। इसे मैंने टमाटर और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये झटपट बनने वाली और बहुत ही आसान व्रत की रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।